एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट स्पिरिट। मैं हूं एवो और इस टाइम मैं हूं दार्जिलिंग में। आप ये देख सकते हैं खूबसूरत चाय का बगान यहां पे। दार्जिलिंग आप कैसे आ सकते हैं, कहां पे होटल ले सकते हैं, कौन कौन से प्लेसेस आप कवर कर सकते हैं, वो सभी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं दार्जिलिंग। दार्जिलिंग, जो कि समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पश्चिम बंगाल का बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। इस हिल स्टेशन की खूबसूरती यहाँ का साल भर तक बने रहने वाला खूबसूरत मौसम है। यहाँ पर आपको हरे भरे चाय के बगान, चारों ओर फैली हरियाली और यहाँ की टॉय ट्रेन की अद्भुत सवारी आपको एक बार यहाँ आने के लिए विवश कर देगी। और यहाँ आना काफी ईजी है, जिसके लिए आपको पहुँचना होगा न्यू जलपाई रेलवे स्टेशन। इसके बाद आप बाई ऑटो रिक्शा सिलीगुड़ी पहुंच जाइए, जहां से आपको दार्जिलिंग के लिए बस मिल जाएगी। बस के अलावा दार्जिलिंग जाने के लिए आप शेयर टैक्सी 200 रुपए में बुक कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो आप न्यू जलपाईगुड़ी से टॉय ट्रेन भी बुक कर सकते हैं, जिसका फेयर 1500 रुपीज पर पर्सन होता है, जिसे आप IRCTC के ऐप से इजिली बुक कर सकते हैं। वैसे बस हो या टॉय ट्रेन, सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक का सफर काफी शानदार दृश्यों से भरा होता है, जिसे देखकर आपका मन इन्हीं नेचुरल ब्यूटीज में खो जाने का करेगा। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक का सफर बाई टॉय ट्रेन 7.5 घंटे का और बाई बस 3.5 से 4 घंटे का होता है। दार्जिलिंग पहुंचकर आप मॉल रोड या चौरस्ता रोड पर बजट होटल्स ले सकते हैं। दोस्तों, मैं इस टाइम हूँ मॉल रोड पे और मेरे पीछे आप देख सकते हैं क्लब रूम, जहाँ पे आप अगर चाहें तो बजट होटल्स आपको इजीली मिल सकता है और कई सारे होटल्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। दार्जिलिंग पहुँचने और होटल लेने के बाद अब बारी आती है एक्सप्लोर करने की। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यदि आप जल्दी पहुँच जाते हैं तो आप दार्जिलिंग के टॉय ट्रेन से 2 घंटे की राउंड ट्रिप वाली जॉय राइड जरूर से करें। आप शाम 4:10 पर स्टीम इंजन 1360 रुपए या 4:30 पर डीजल इंजन वाली राइड 910 रुपए में ले सकते हैं, या फिर आप नेक्स्ट डे डिफरेंट टाइम स्लॉट में अपनी जॉय राइड प्लान कर सकते हैं। इसकी बुकिंग आप IRCTC की ऐप से कर सकते हैं। और क्योंकि सोर्स और डेस्टिनेशन स्टेशन सेम है, तो आपको सोर्स स्टेशन कोड DJ और डेस्टिनेशन में DJ RZ इंटर करना होगा। जब दार्जिलिंग आते हैं तो आपको यहाँ की टॉय ट्रेन का राइड जरूर एक बार लेना चाहिए। शानदार व्यू के साथ इसका ट्रैक्स बनाया गया है, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार आपको लगेगा। और कई पॉइंट्स पर ये रुकता है और फोटोज क्लिक करने के लिए आपको कई मौके भी मिलते हैं, तो एक मस्ट प्लान आपका हो सकता है इसका। तो इसका इंजॉयमेंट आप जरूर लेने की कोशिश करें। बुकिंग होने के बाद आपको अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए दार्जिलिंग की घूम रेलवे स्टेशन पर जाना होगा। तो दोस्तों, इस समय आ गया हूँ घूम रेलवे स्टेशन पे। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है टॉय ट्रेन के लिए। यदि आप यहाँ पे आते हैं तो आपको थोड़ा ऐसा फील होगा कि जैसे आप ब्रिटिश टाइम में आ गए हैं। काफ़ी पुराने आर्किटेक्चर्स यहाँ पे हैं। इस टाइम मैं आ गया हूँ चौरस्ता पे और ये कह सकते हैं हार्ट ऑफ दार्जिलिंग इसे कहा जाता है। चौरस्ता दार्जिलिंग का एक बहुत ही पॉपुलर प्लेस है, जहाँ पर टूरिस्ट के साथ स्थानीय पर्यटक भी काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। ये जगह इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ से दार्जिलिंग की ऊंची घाटियाँ और शानदार व्यूज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा, जैसा कि आप जानते हैं, दार्जिलिंग अपने चाय के बगानों के लिए भी प्रसिद्ध है और चौरास्ता में देसी चाय की चुस्की लेने के लिए टूरिस्ट इस स्थान पर एक बार जरूर आते हैं।
यहाँ चाय भी आपको 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक मिलती है, जिसका स्वाद केवल दार्जिलिंग में ही आपको मिल पाता है। इसके साथ चाहे तो आप यहाँ से चाय की पत्ती भी खरीद सकते हैं। दोस्तों चौरस्ता पे आप आ सकते हैं, यहाँ पे शाम के टाइम काफी अलग टाइप का एनवायरमेंट रहता है, सुबह में भी यहाँ पे काफी अच्छा लगता है। खास करके यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं, बच्चों के साथ भी आप आ जाए तो बहुत आनंद आने वाला है। और यहाँ पे आप खाने पीने के कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है। फोटोशूट के लिए काफी अच्छा प्लेस है, आप वेडिंग फोटोशूट करना चाहते हैं आप तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे रात में भी आप घूमना प्रेफर करते हैं तो यहाँ की लाइटिंग्स और काफ़ी सारी चीज़ें आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। यदि आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की शौकीन है तो भी आपके लिए एक अच्छा प्लेस है। यहाँ पे आपको कई सारे आर्टिस्टिक चीज़ें आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, कई सारे शॉप्स यहाँ पे हैं। और यहाँ वेदर काफ़ी रिसेंट है, यदि आप कुछ देर यहाँ पे रहते हैं देखते हैं थोड़े थोड़े टाइम पे यहाँ पे वेदर बदलता रहता है, कभी बरसात होता है, कभी धूप होता है, कभी कोहरा होता है, तो एक ब्यूटीफुल प्लेस है, इसे हार्ट ऑफ दार्जिलिंग कहते हैं, तो यहाँ पे आपका आना बनता है। नेक्स्ट डे दार्जिलिंग एक्सप्लोर करने के लिए हमने स्कूटी ऑन रेंट लिया। स्कूटी और बाइक्स आप चौरस्ता में ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी प्लेसेस हैं जहां पर स्कूटी आपको मिल सकती है। यहां से आप बाइक को स्कूटी ऑन रेंट ले सकते हैं, थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज पेपर वर्क के बाद स्कूटी आप लेकर के सारा भी। स्कूटी आपको बाइक रेंटल के लिए आपका एक आधार कार्ड, वोटर कार्ड या जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड वो लगता है और मैंडेटरी आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। क्योंकि दार्जिलिंग में कभी भी बरसात हो सकती है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्कूटी के साथ रेनकोट भी ऑन रेंट 50 रुपीज में ले सकते हैं। तो बारिश में अब रेनकोट पहनना पड़ गया हमें, हमने रेनकोट लिया था। तो दोस्तों यहाँ पे दार्जिलिंग में मैंने स्कूटी ऑन रेंट ले लिया है, एज कम्पेयर टू बाकी टूरिस्ट प्लेस यहाँ थोड़ा सा कॉस्ट आपको ज़्यादा देना पड़ सकता है। मुझे ये पड़ा है 1000 रुपीज पर डे का, पेट्रोल हमारा हम लोग ने करीब 250 रुपये का भरवा लिया है एक्सप्लोर करने के लिए। तो स्कूटी आप ले सकते हैं, काफ़ी दूर दूर यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस हैं तो स्कूटी आपको बेटर पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ पे 2000 रुपीज़ दे करके कैब बुक भी कर सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा कंफर्टेबली आपको कुछ पॉइंट्स कवर करवा दिया जाएगा। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप दो लोग हैं तो स्कूटी प्रीफर करिए। दार्जिलिंग अपनी स्वादिष्ट चाय के लिए वर्ल्ड फेमस है, तो हम भी सबसे पहले पहुँचे चाय के गार्डन को देखने। वैसे तो यहाँ चाय के कई दर्जन गार्डन हैं, लेकिन इनमें सबसे खूबसूरत चाय बगान हैप्पी वैली टी स्टेट है। यहाँ आप वर्कर्स को चाय की पत्तियाँ तोड़ते हुए देख सकते हैं, साथ ही आप उन पत्तियों को तोड़ने का लुत्फ भी उठा सकते हैं। दोस्तों मैं इस समय आ गया हूँ टी गार्डन में और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा रास्ता घुमावदार बना हुआ है। यहाँ पे आप स्कूटी से आते हैं तो आपको एक्सप्लोर करने में काफी मजा आएगा। और वैसे ये एक ब्यूटीफुल प्लेस है, काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे सीनिक ब्यूटी आप देख सकते हैं पीछे क्लाउड्स और यहाँ की खूबसूरती, तो आप इस प्लेस को प्रीफर कर सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, काफ़ी शानदार लगेगा आपको, काफ़ी मज़ेदार प्लेस है। वाह अरे बात, यहाँ गाड़ी तो चलावा चलेगा भैया। और मैं आ गया हूँ पद्माजी नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में और यहाँ पे एंट्री चार्ज 60 रुपीज़ या 10 रुपीज़ आपके कैमरे के लगेंगे। कई सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स यहाँ पे रखे हुए हैं तो आप देख सकते हैं, कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एक अच्छा प्लेस है, आपको काफ़ी पसंद आएगा। पद्माजा नायडू जूलॉजिकल पार्क तकरीबन 67.56 एकड़ के बड़े क्षेत्र में फैला एक प्यारा सा पार्क है। यह पार्क 2134 मीटर की एवरेज हाइट पर होने की वजह से भारत का सबसे ऊंचा जू की कैटेगरी में आता है। अपने देश का एक विशेष जूलॉजिकल पार्क है जहाँ इंटरनेशनल लेवल का लाल पांडा, हिम तेंदुए, तिब्बती भेड़िए और पूर्वी हिमालय के अन्य अत्यधिक लुप्त होने वाले कैटेगरी के जानवर यहाँ पर संरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा आप इस खूबसूरत से लोकेशन पर बने इस पार्क में काफी एंजॉय कर सकते हैं और साथ ही यहाँ की लोकल ट्रेडिशनल ड्रेसेस में फोटोशूट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइम हम आ गए हैं बतासिया लूप में और ये एक छोटा सा गार्डन है जो दार्जिलिंग का। ये बतासिया लूप सन 1919 में अंग्रेजों द्वारा रेलवे ट्रैक के लिए एक बड़ी ढलान को कवर करने के लिए बनाया गया था, जो वर्तमान में एक प्यारे से पार्क के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसका एंट्री चार्ज 30 रुपए है। यहाँ पर ट्रैक 360 डिग्री का टर्न लेता है जो लगभग 140 फीट की ढाल से नीचे उतरता है। बतासिया लूप में जाते और आते टाइम ट्रेन सुरंग से होकर गुजरती है। साथ ही इस पार्क के बीच एक युद्ध स्मारक स्थित है
ये प्लेस टूरिस्ट के बीच काफी फेमस है। आप यहाँ नेचर की खूबसूरती और प्लीजेंट वेदर के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, साथ ही यहाँ की ट्रेडिशनल डिशेस में फोटोशूट भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल ये प्लेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यदि आप यहाँ पे आते हैं स्पेशली अपने लव्ड वन के साथ तो आपको ये प्लेस बहुत पसंद आएगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए इस प्लेस को सेलेक्ट कर सकते हैं और कई सारे ओकेजन्स में आप यहाँ पे आ सकते हैं, स्पेशली बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो एक अच्छा प्लेस है, आपको यहाँ पे आना चाहिए। बतासिया लूप के बाद अब हम लोगों ने डिसाइड किया रॉक गार्डन की तरफ जाने का और चल पड़े खूबसूरत रास्तों से होते हुए एक और मंजिल की तलाश में, लेकिन इस बार रास्ते की खूबसूरती ने हमें मंजिल से ही भटका दिया। दोस्तों अभी हम रॉक गार्डन की तरफ बढ़ रहे हैं, रास्ता काफी स्टीप है तो स्कूटी यहाँ पे थोड़ी स्लिप कर सकती है आपकी, थोड़ा सा आपको संभाल के चलना होगा। और काफी खूबसूरत प्लेस है, रास्ते बहुत अच्छे हैं, तो आप रियली इंजॉय करेंगे, डेस्टिनेशन से ज्यादा तो रास्ते इंजॉय करेंगे। सो दोस्तों इस समय मैं आ गया हूँ रॉक गार्डन पे, हालांकि ये रॉक गार्डन नहीं है, रॉक गार्डन जाने के बीच का रास्ता है और हम लोगों ने प्लान बना था रॉक गार्डन जाने का, लेकिन हमारे स्कूटी की कंडीशन ये है कि पेट्रोल यहाँ पे अभी कहीं अवेलेबल है नहीं, हमारे स्कूटी का पेट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो अभी रास्ते को देख करके और इसका स्टीप चढ़ाई देख करके ये हम समझ गए कि रिटर्निंग में अगर पेट्रोल ख़त्म हुआ तो हम रिटर्न नहीं जा पाएंगे और यहाँ पे कहीं कोई पेट्रोल देने वाला नहीं है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि रॉक गार्डन जाने का प्लान हम कैंसिल करेंगे, लेकिन ये जो प्लेस है ये काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है, यहाँ पे आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फोटोशूट कर सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ क्या नेचर ने अपनी खूबसूरती प्रोवाइड की है इस प्लेस को। तो दोस्तों यहाँ पे मौसम का प्रिडिक्शन आप इजीली नहीं कर सकते हैं, कभी यहाँ पे धूप होता है, थोड़ी देर में बरसात होने लगता है और थोड़ी देर में यहाँ पे फॉग का पूरा एनवायरनमेंट हो जाता है। तो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे देखिए धीरे धीरे फॉग यहाँ पे आ रहा है, बादल आ रहे हैं यहाँ पे और थोड़ी देर में ये प्लेस भी पूरा बादल से कवर हो जाएगा। ये ब्यूटीफुल प्लेस आपको पहाड़ों पर ही मिल सकता है, स्पेशली आप दार्जिलिंग अगर आते हैं, रॉक गार्डन जाते हैं तो आपको ये खूबसूरती यहाँ पे देखने को मिलेगी। दोस्तों इस टाइम मैं आ गया हूँ सबेरी नाइटेंगल पार्क में, सबेरी नाइटेंगल पार्क जो भी नाम हो, लेकिन इस टाइम थोड़ा लेट हो जाने की वजह से मैं पार्क के अंदर नहीं जा सका, तो आपको टाइम बता दूंगा इस टाइम पे आप प्रिफर करिए यहाँ पे आने के लिए। तो एक मस्त विजिट प्लेस है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, काफ़ी इंजॉइंग पार्क है, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको और यह आवाज़ें आप सुन सकते हैं शाम के टाइम, इस तरह की आवाज़ें यहाँ पे आती हैं। इस पार्क से आपको सिक्किम का एक शानदार व्यू देखने को मिलेगा। दोस्तों इसी पार्क के पास आपको हनुमान जी की एक प्यारी सी मूर्ति मिलेगी, आप यहाँ पे हनुमान जी को प्रणाम कीजिए। फाइनली अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो सकती है यदि आप दार्जिलिंग का ट्रिप प्लान करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे होटल्स आपको मिल जाएंगे मॉल रोड के पास, लेकिन होटल्स के चार्जेस थोड़ा सा इसका प्रिंटली बाकी टूरिस्ट प्लेसेस के थोड़ा सा कॉस्टली है, तो आप यहाँ पे होटल 1500 से 2000 रुपए में ले सकते हैं। दूसरा खर्च यहाँ पे ट्रैवल का है तो आप प्रीफर कीजिए स्कूटी ऑन रेंट लेकर के आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन स्कूटी के साथ ये है कि बाकी टूरिस्ट प्लेसेस के कंपेरिजन में यहाँ पे स्कूटी थोड़ी कॉस्टली है, जैसे आप मुझे पड़ा है 1000 रुपीज़ पर डे का। और तीसरा खर्च आप खाने पीने का है तो खाने पीने के लिए आपको मान के चलिए अगर आप 2 पर्सन है तो 1500 रुपीज़ पर डे आपको लग जाएंगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।